ये डोमिनेंट, इसको सेम फीमेल, और यह पुनः सफेद पुष्प, और ये पुनः अगर इसको देखें तो लाल पुष्प, तो ये हमारे पास फीलियल वन जनरेशन प्राप्त हुई। तो ये फीलियल वन जनरेशन अगर देखा जाए बाहरी आकारिकी के रूप में, अगर समझने की कोशिश करें तो लिखने में तो बिल्कुल लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो एफ1 जनरेशन फीलियल वन जनरेशन है उसके जैसे है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, हमें यहां पर समस्त पिंक रंग के फ्लावर प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो यहां पर सारे के सारे और लाल पुष्प प्राप्त हुए थे, वो हमें यहां पर सारे के सारे किस प्रकार से पुष्प प्राप्त होंगे, वो पिंक कलर के पुष्प प्राप्त होंगे। तो ये है इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। कैसे, क्यों? क्योंकि जो ये डोमिनेंट जीन लाल है रंग देने के लिए, ये लाल रंग देने वाला जीन जब अपने आप को प्रभाविता के नियम के हिसाब से प्रभावी करने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त ये जो रिसेसिव पेयर ऑफ जीन है जो सफेद रंग के पुष्प के लिए प्रभावित है, उसने अपना प्रभाव भी दिया। तो कहने का मतलब है, इसके प्रभाव को पूरी तरह से प्रभावी ना होने देने के कारण इस रिसेसिव जीन ने अपना प्रभाव भी दिया, और दोनों के प्रभावी होने की कंडीशन में जब नहीं हो पाए तो तीसरे रंग का कलर हमको पिंक फ्लावर के रूप में मिला, यानी इसको पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होने दिया इस पेयर ऑफ अलील जीन ने जो क्रॉस में गया। तो ये अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाया, और पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाने के कारण इस वाले जीन, इस पेयर ऑफ अलील के जीन ने अपने प्रभाव को दिखाकर इसके पूर्ण प्रभाव को रोका और उसको अपूर्ण किया, और तीसरे रंग का फ्लावर पिंक फ्लावर हमको दिया। तो ये जो मेंडल का नियम था उससे अलग हटके मेंडल के नियम को नहीं मानता, अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। अगर ये इस नियम को मानता तो हमारे पास सभी पुष्प लाल रंग के होते, परंतु यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ, सारे के सारे पुष्प जो है वो पिंक रंग के प्राप्त हुए, कारण कि जो इसका प्रभावी प्रभाव था उसको इस जीन ने प्रभावी नहीं होने दिया, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होने दिया, इसलिए अपूर्ण प्रभावी कंडीशन या उसके कारण हमें पिंक फ्लावर प्राप्त हुए। जब सेल्फिंग में जाएंगे तो हमें जीनोटाइप किस प्रकार का दिखेगा, तो जीनोटाइप के लिए जब इसकी सेल्फिंग करेंगे तो सेल्फिंग में this F2 generation जो फ्रेंड्स हमें यहां प्राप्त हुई है, F2 generation में हम देखेंगे कि सेम होमोजाइगस डोमिनेंट, सेम होमोजाइगस रिसेसिव, सेम हेटरोजाइगस डोमिनेंट, लेकिन यहां पर जो है 25% हमको पूरा मिलेगा, 25% ऑफ रेड फ्लावर, 25% ऑफ व्हाइट फ्लावर, और 50% ऑफ पिंक फ्लावर। सो जो यहां पर फ्रेंड्स इसका जीनोटिपिक रेशियो 3:1 आया है, ये यहां पर चेंज हो गया है, ये यहां पर हो गया है 1:2:1। सो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। सो दो डिफरेंस जो है वो क्या हुए, पूर्ण प्रभावी नहीं होकर अपूर्ण प्रभाविता के कारण
पिंक कलर के फ्लावर हमको प्राप्त हुए क्योंकि इस जीन ने इसके प्रभाव को मास्क कर दिया, रोक दिया, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होने दिया और हमें जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 प्राप्त हुआ। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। अब फ्रेंड्स तीसरा एक कंसेप्ट और आता है जिसकी अपन बात करते हैं, दैट इज कोडोमिनेंस। हालांकि मैंने भी जस्ट खत्म किया है लेकिन इसको भी इसके साथ क्लियर कर दें। मैंने वापस कहा जैसे कि नाम से जाहिर है कोडोमिनेंस सह प्रभाविता। अगर इसके क्रॉस में जाएं, बेसिकली अगर प्लांट का एग्जांपल ना लेके यहां पर एनिमल का एग्जांपल लें, कोट कलर, चमड़ी, चमड़ी का कलर ले अगर हम किसी भी एक एनिमल को चुनकर उस चमड़ी पर अगर हेयर की बात करें तो एक क्रॉस हम करें, उस क्रॉस में सेम फीमेल, ये मेल, हम कैरेक्टर चुनना लें कोडोमिनेंस के लिए, ये अगर हम लेते हैं यहां पर रेड हेयर, लाल रंग के बाल और यहां पर हम लेते हैं व्हाइट चमड़ी, व्हाइट कोट, तो कोट कलर में क्या डिफरेंस होगा अगर कोडोमिनेंस ही होगी? तो ये F1 जनरेशन या फीमेल वन जनरेशन जो हमें प्राप्त हुई है, ये F1 जनरेशन में हमें दोनों जीन के प्रभावी होने की वजह से हमें सफेद रंग के कोट में लाल रंग के हेयर्स दिखाई देंगे। ये है कोडोमिनेंसी, ये है लाल हेयर, लाल रंग के बाल और ये है व्हाइट कोट। तो फ्रेंड्स पहले केस में तो पूरी तरह से प्रभावी है, तो लाल रंग प्रभावी है तो लाल रंग के सारे फ्लावर आ गए। सेकंड केस में अपूर्ण प्रभावी है इसलिए लाल पूरी तरह से न आकर इसके प्रभाव के कारण पिंक आ गए। यहां क्या हुआ है कि दोनों जो जीन हैं, ये जीन डोमिनेंट आर और ये जीन रेसेसिव आर, दोनों एक साथ प्रभावी हुए हैं। उन्होंने दोनों ने अपना साथ में प्रभाविता का जो नियम या गुण है अपना वो शो किया है, जिसकी वजह से चमड़ी का कलर तो सफेद आ गया और उस पर लाल बाल आ गए। यानी कि दोनों कैरेक्टर, यानी कि दोनों लक्षण जो है वो दोनों लक्षण यहां पर हमको दिखाई दिए। क्यों दिखाई दिए? क्योंकि जब दोनों प्रकार के जीन आपस में मिलकर अपने आप को शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं साथ में, उस कंडीशन को हम कह रहे हैं कोडोमिनेंस। तो इनका मिक्स कलर भी नहीं आया और प्रभावी कलर भी नहीं आया, दोनों ही कैरेक्टर, दोनों ही लक्षण आपको दिखे, वो कंडीशन कहलाती है कोडोमिनेंसी। अगर इसकी जीनोटाइप के लिए हम सेल्फिंग में जाएंगे तो जीनोटाइप के लिए सेल्फिंग में हमें क्या दिखाई देगा? जीनोटाइप की सेल्फिंग के लिए हमें ये दिखाई देगा, वो जो रेशियो है, रेशियो बिल्कुल सेम होगा, एग्जैक्टली सेम। और वो रेशियो क्या होगा? वो रेशियो ये होगा, दिस एंड दिस। सो फ्रेंड्स जीनोटाइप रेशियो क्या है? जीनोटाइप रेशियो भी हमारे पास सेम आया है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव एंड हेटरोजाइगस डोमिनेंस। तो इसकी बात करें तो 1 यानी कि 25% जो है हमारे पास जो कोट कलर होगा ऑफ रेड हेयर कलर कंप्लीट एंड 25% जो हमारे पास होगा वो होगा ऑफ व्हाइट कलर, लेकिन जो 50% रिमेनिंग होगा 2:1:2:1 दैट विल बी ऑफ दिस टाइप, व्हाइट कोट विथ
रेड हेयर्स। सो फ्रेंड्स, अब अगर देखें ये कंडीशन जिसमें जीनोटाइप रेशियो अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता का बिल्कुल सेम है, लेकिन एफ वन जनरेशन से बिल्कुल क्लियर करता है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है, जब दोनों का मिक्स हमारे पास रिजल्ट आए और एक प्रभावी जीन को वो दूसरा जीन प्रभावी न होने दे, उसको अपूर्ण रूप से प्रभावी करे, वो कहलाता है इनकम्प्लीट या अपूर्ण प्रभाविता, और जब दोनों साथ अपने आप को एक्सप्रेस करें तो वो कहलाते हैं सह प्रभाविता, जिसके कारण ना एक चीज डोमिनेंट ना दोनों का मिक्सचर, दोनों जीन साथ में एक्सप्रेस सह, दैट इज कोडोमिनेंस। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है इसके जीनोटाइप, इसके फिनोटाइप और इसके टर्मिनोलॉजी में, प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। समस्त F1 जनरेशन लाल रंग के पुष्प, F1 जनरेशन पिंक रंग के पुष्प और F1 जनरेशन सफेद चमड़ी पे लाल है, दोनों प्रभावी हैं, इसीलिए सह प्रभाविता। और जीनोटाइप की बात करें तो 3:1 यानी कि 75% लाल पुष्प और 25% सफेद पुष्प। यहां पर बात करें 1:2:1 होमोजाइगस डोमिनेंट में 25% पूर्ण लाल पुष्प, 25% पूर्ण सफेद पुष्प और जो बाकी 50% है वो पिंक पुष्प हमको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से इसके जीनोटाइप की बात करें कोडोमिनेंस की, तो 1:2:1 25% पूर्ण सफेद, 25% पूर्ण लाल और बाकी जो 50% है वो दोनों जो यहां पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार से साथ में एक्सप्रेस होंगे जीन्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाता है कि डोमिनेंसी या डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी यानी कि अपूर्ण प्रभाविता और तीसरा है हमारे पास सह प्रभाविता के बीच में क्या अंतर है, इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, ये क्या कंसेप्ट है, ये क्लियर करता है। फ्रेंड्स, अभी भी किसी प्रकार का डाउट किसी को है, स्टूडेंट को, वो नीचे कमेंट में जब मैं इसको लोड करूंगा तो कर दें, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं इसको डाल दिया है, तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाउट है तो पूछ लें, और नहीं तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, और अब इस टॉपिक पर इस प्रकार में बात नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे, और मैं जस्ट उसका वीडियो भी शूट करूंगा थोड़ी देर में, एंड दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टिश्यू सिस्टम। मैं अब टिश्यू सिस्टम पर बात करूंगा, अभी भी कुछ इसमें रहता है तो एनी स्टूडेंट इज फ्री टू आस्क। थैंक यू।